हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद तबसा यूके के साथ हाजिर। आज संडे है और मैंने सोचा कि क्यों ना आज गाड़ी धुलवा लूँ। मौसम काफ़ी दिनों से काफ़ी ख़राब रहा, तो जब गाड़ी धुलवाने के लिए आया तो मैंने सोचा क्यों ना तबसरा यूके के लिए वीडियो बना लें, तो दिखा दें कि यूके में गाड़ियाँ कैसे धुलती हैं। और मेरे साथ मौजूद है मेरी बेटी मुनीफा, और जो मेरी हेल्प कर रही हैं वीडियो बनाने में। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी इसको जो है वो पहले कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं केमिकल्स के साथ, विद केमिकल्स इजंट इट, या केमिकल्स के साथ इसको स्प्रे कर रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी आगे करनी है, और उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो टायर है ना, इसको जो है ना वो जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो साफ नहीं होते, तो अब मैं गाड़ी अब आगे करने लगा हूँ। अभी अभी जो है उन्होंने ये रिंस किया है, अब इसको जो है वो यहाँ से फॉर्मिंग करेंगे दोबारा। अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे जो है फुल जो है वो ऊबरिंग भी होती है, इससे ज़्यादा चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ गाड़ी वॉश करवाई है और फिर उसके 5 से 6 पाउंड होती हैं नॉर्मली, अगर आप उसको भी ड्राई करवाते हैं तो उसमें फिर 1-2 पाउंड का इजाफा हो जाता है। और अगर आप फिर जो है उसके बाद आप हूवरिंग भी कराते हैं, अंदर से क्लीनिंग भी करवाते हैं, तो फिर 10-12-15 पाउंड उससे ऑनवर्ड जो है फिर प्राइस चली जाती है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या काम करवाते हैं। तो यहाँ यूके में इसके डिफरेंट रेट्स हैं, और हर जो कार वॉश है उसके भी डिफरेंट रेट्स हैं, और लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं इनका काफ़ी आर्जी काम होता है, इससे कि यहाँ पे बारिशें मुश्किल होती रहती हैं। तो आज जो मौसम है ये काफ़ी दिनों के बाद बेहतर हुआ है। लोग